कंप्यूटर फॉर क्लास 7। तो आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने पढ़ा है फॉर्मूलाज एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2010। इसके बारे में हमने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे इसमें स्टैटिस्टिकल फंक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे आज मैक्सिमम एंड मिनिमम कि मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैक्सिमम मतलब हमें उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू को अगर चेक करना है तो हमें मैक्सिमम को यूज करना है। अगर उस सेट में से हमें सबसे छोटे वैल्यू को अगर हमें सबसे स्मॉल वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें मिनिमम से निकालना है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे अगर आपको एक्सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आपके पास इसमें कॉलम ए होते हैं, कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉलम डी है। तो यहाँ से आपको रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक शीट बनाएंगे, इसके अंदर इस शीट के अंदर हम कुछ नंबर को लगाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर ले लिया फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे अगर इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू अगर हमें चेक करना है तो किस तरह करना, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है हाईएस्ट वैल्यू को चेक करने के लिए। इक्वल टू मैक्स स्टार्ट ब्रैकेट, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल 72, 85, 70। तो इस तरह भी आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें दूसरा फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहते हो तो इक्वल टू मैक्स। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर, तो इक्वल टू मैक्स करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से A1 को ले सकते हैं। A1 मतलब कॉलम नंबर ए, रो नंबर 1, A1 कॉमा, इसके बाद यहाँ पे है A1 कॉमा। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो डायरेक्टली आप इसकी जगह पर आप इंस टू भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली आप C1 को ले सकते हैं इसके अंदर C1। तो आप ब्रेकर को क्लोज करके आप यहां से इंटर दबा, तो इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको यहां पे आपको शो करके देगा। तो इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं मैक्स के लिए, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपको मिनिमम निकालना है, फॉर एग्जांपल इसी में से अगर आपको मिनिमम निकालना है, आप इस तरह निकाल सकते हैं मिनिमम का वैल्यू इक्वल टू मीन। आपको मिनिमम के लिए लिखना है इक्वल टू मीन ब्रेकेट स्टार्ट, यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 72, 85, 70। तो इसके बाद आप जब इंटर दबाओगे तो इसका सबसे लास्ट वैल्यू आपको शो करके आपको इसमें आपको दिखाएगा। अब इस तरह अगर हम इसको दूसरा फॉर्मूला यूज करें इक्वल टू मीन ब्रेकेट स्टार्ट, यहाँ पे हम करेंगे A1 इंस टू C1। तो यहाँ आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस सेल के अंदर आपको अगर आप मिनिमम निकाल रहे हो तो मिनिमम में आपको क्या निकलेगा, सबसे पहले आपको मिनिमम में दिखाएगा आपको 70। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम किस तरह निकालना है, तो मिनिमम किस तरह निकालना है आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम कहते हैं मैक्स और फॉर्मूला, इसको एक्सेल में इसको मैक्स कहते हैं और यहाँ पे फॉर्मूले में इसको मैक्स और इसको मीन कहते हैं, ठीक है ना। इससे हम हाईएस्ट वैल्यू को चेक कर सकते हैं और इससे हम लास्ट वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू आपको किस तरह निकालना है, अगर सेट ऑफ सेल में या रेंज ऑफ सेल में, अगर आपको इस सेट ऑफ सेल में अगर आपको रेंज ऑफ सेल के अंदर होगा तो इसमें से अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना है तो किस तरह करना है, अगर आपको इसमें से आपको मिनिमम वैल्यू को अगर आपको चेक करना है तो वो किस तरह करना है। तो इसके लिए आप इन दोनों फॉर्मूले से, इन दोनों में से मैक्स के लिए दो फॉर्मूले हैं तो इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और मीन निकालने के लिए आपको भी यहां से आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्लास था इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम का। तो आज का क्लास हमारा आपका खत्म हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।